प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाने का आह्वान किया था। पीएम मोदी का सपना अब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में साकार हो रहा है। वाराणसी के सुसवाई स्थित एक लॉन में रविवार को सोहर और मंगल गीत गाकर बेटियों के जन्म का उत्सव मनाया गया। मुंबई की मशहूर गायिका अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तव ने गीत गाकर लोगों को बेटियों का महत्व बताया। बताते चले कि पूरे साल में 356 माताओं के सम्मान होना है, इसमें से मशहूर गायक अनुपमा श्रीवास्तव चक्रवर्ती पहली महिला है। संस्था के सचिव ने उन्हें इस साल का पहला ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। अनुपमा ने संकल्प लिया कि वो आगमन के बेटी बचाओ के अभियान को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को इस कुरीति के खिलाफ जागरूक करेंगी। इस कार्यक्रम से पहले संस्था के पदाधिकारियों ने बैठक कर पूरे साल के अभियान का कैलेंडर भी जारी किया। संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि इस साल संस्था 10 लाख लोगों को विभिन्न माध्यमों से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूक करेगी और लोगों को बेटियों का महत्व बताएगी। इस आयोजन में अतिथि के तौर पर प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, डॉक्टर टी पी चतुर्वेदी, डॉक्टर वैभव मणि, प्रोफेसर विनय पांडे, प्रोफेसर सुभाष पांडे, प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी उपस्थित रहे। इसके अलावा संजय गुप्ता, अशोक सिंह, पवन गोयल, ऋतु गोयल, राकेश छावड़ा, अरविंद सिंह, संतोष शुक्ला, संजीव सिंह, राम बोस सिंह, मुंगेरी यादव, जादूकर किरण और जितेंद्र, सनी कुमार सेठ, मनोज सेठ, राहुल गुप्ता आदि लोग शामिल थे।